पहली बात तो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बजाय हम ये कहें ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी। कुछ लोग एन को न्यू कहते हैं, एक्चुअली ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। और मुझे अच्छा लगा कि आपने पूछा, शायद दुनिया में शिक्षा की नीति निर्धारण में इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, इतने स्तर पर हुआ होगा, ये अपने आप में शायद एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2014 से जब मुझसे इस कार्य के लिए आप सबने पसंद किया तो शुरुआत से इस काम पर हम लगे थे। करीब 6-7 साल तक बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, हर स्तर पर हुआ, गांव के शिक्षकों के बीच हुआ, गांव के स्टूडेंट्स के बीच हुआ, शहर के शिक्षकों के बीच हुआ, शहर के स्टूडेंट्स के बीच हुआ, बॉयज स्टूडेंट्स ने कहा, गर्ल्स स्टूडेंट्स ने कहा, दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में, यानी एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कोने में सालों तक इस विषय पर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ। उस सब के जिस तैयार किए गए और देश के बहुत ही अच्छे विद्वान, और वो भी आज के युग को ध्यान में रखते हुए जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों के नेतृत्व में इसकी विशद चर्चाएं हुई, उसमें से एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, उस ड्राफ्ट को फिर लोगों के बीच में भेजा गया और 15-20 लाख इनपुट्स आए। यानी इतना बड़ा एक्सरसाइज, इतनी व्यापक एक्सरसाइज, उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी आई है।